वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगर मेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डॉग में ये बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। और हम जानते हैं कि किडनी जो है बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर एक बार उसका डैमेज स्टार्ट हो जाता है तो वो जो है कभी भी हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कंसर्न इशू है और अभी तक जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है और मेडिकल फील्ड में, बट हम कुछ भी करके जो है किडनी जो डैमेज हो गई है, जो लॉस्ट हो गई है, जो उसके वाइटल फंक्शन है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन्स, तो इनका जब जो डैमेज हो जाता है तो वो हम रिवाइव नहीं कर पाते हैं। रिवाइव करने का एक ही तरीका, या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दें या फिर हम स्टेम सेल थेरेपी करके नया किडनी बनाएं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हालांकि हमारी जो खोज है वो लिमिटेड है और मेडिकल एडवांसमेंट इतना नहीं है कि हम किडनी की जो स्टेज है वो हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्योंकि अगर हमें किडनी की डैमेज पता चल जाए, जैसे मान लीजिए अगर किडनी की डैमेज स्टार्ट हो गई है और अर्ली स्टेज में ही है, उस स्टेज में अगर हम किडनी की डैमेज को पता कर लेते हैं तो मतलब कि हम किडनी को जो और डैमेज होने वाली है उसको हम बचा सकते हैं, तो लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये एक कॉमन इशू है और ये जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, मतलब कि किडनी पेशेंट को मैनेज करने का, वो डॉग में या फिर किसी भी एनिमल में या फिर किसी भी ह्यूमन में सेम होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सेंसिटाइज करूँगा कि अगर आपके पेशेंट्स को, आपके डॉग को, आपके पेट को अगर किडनी डिजीज़ हो रही है तो कैसे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो, जिससे कि आप फ्यूचर में अपने डॉग को होने वाली इस बीमारी से मतलब कि सुरक्षित रह सकते हैं या फिर आप उनके प्रोग्रेशंस को जो है वो कम कर सकते हैं, जिससे कि हेल्दी लिविंग जो है वो अपने डॉग की बढ़ जाए। याद रखिए सर कि जो किडनी है इसका जो बेसिक वाइटल फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन, मतलब जो भी टॉक्सिन मटेरियल्स होता है वो लीवर डिटॉक्सीफाई करता है, उसके बाद जो भी फ्लूड्स हैं उसका जो है मैनेजमेंट करना, उसका भी काम होता है किडनी का, और प्लस जो अननेसेसरी वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। और जब भी लगातार किडनी में स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो किडनी के फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज होने लगते हैं। और इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले ही अलर्ट हो जाए, जिससे कि हम अपने डॉग को किडनी डैमेज से बचा सकें। राइट, हम जानेंगे कैसे कि किडनी फेलियर जो है वो हो रहा है हमारे पेशेंट में, हमारे पेट में? तो कुछ बेसिक अलार्मिंग साइन है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका डॉग जो है वो उसकी एपेटाइट कम होने लगे, हालांकि ये कॉमन सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों का, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। उल्टी अगर आपके डॉग को हो रही है और वो रुक नहीं रही है, मतलब कि पारवो के केसेस में या फिर हम डिस्टेम्पर केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा जो है छोटा रहता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा उल्टी होने लगती है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट यहाँ क्या है, उल्टी रुक रुक के होती रहेगी, झाग वाली उल्टी रहेगी, बहुत ज़्यादा कुछ निकलेगा नहीं पर झाग वाली उल्टी रहेगी और वो रुक रुक के डेली जो है वो एक या दो बार करता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि हम मान लीजिए मेडिकेशन देते रहते हैं और तब भी जो है उसकी उल्टी रुक नहीं रही है, तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं। इसके साथ साथ जो जनरल बॉडी जो कंडीशन है वो धीमे धीमे जो है वेस्ट होने लगती है, मतलब कि क्रॉनिक वेस्टिंग ऑफ कंप्लीट बॉडी होने लगती है, तो उसको कुछ भी खाएंगे वो प्रॉपरली लगेगा नहीं शरीर में, कमज़ोर होता दिखेगा, ये कॉमन साइन है। मेलेना होने लगता है, मतलब कि जो स्टूल होता है उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो फिर जो ब्लड है वो जो है मतलब कि डाइजेस्ट होके स्टूल के साथ निकलने लगता है, जिसमें ब्लड के कलर जो है वो डार्क हो जाते हैं और जो स्टूल होता है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्लैकिश होने लगती है। तो इस तरह का अगर आपको स्टूल आ रहा है और वो रेगुलर आ रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि केवल एक ही दिन आए, उसको कई दिनों तक आप वॉच आउट कीजिए, और डेली अगर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा अलार्मिंग साइन है। जो इससे ज़्यादा बेहतर जो अलार्मिंग साइन है जिनको आपको हमेशा अलर्ट रहना है वो है हैलिटोसिस, मतलब कि बैड ब्रेथ, बहुत ही ज़्यादा माउथ से स्मेल आएगी डॉग को, और उसकी ये जो स्मेल है वो आप प्रॉपर, चाहे जितना भी आप उसका मतलब कि डेंटिशन को ध्यान रखिए, उसको हेल्दी हाइजीन रखिए, ब्रश करा रहे हैं या फिर एप्पल खिला रहे हैं, तब भी उसकी स्मेल जो है वो माउथ से नहीं जा रही है। इसके साथ साथ जो है उसके माउथ में अल्सरेशन होने लगेगा, ओरल अल्सर जो है कॉमन टिपिकल साइंस होता है, ये भी पाया जाता है डॉग्स में। और धीमे धीमे क्या होता है कि डॉग जो है वो एनीमिक होता जाता है, मतलब उसमें खून की कमी होने लगती है। अगर हम उसका ब्लड सैम्पलिंग करवाएं, CBC करवाएं उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें आपको जो है दिखेगा कि हीमोग्लोबिन काउंट जो है धीमे धीमे कम होने लगता है। तो ये बेसिक साइन है, ये आपको फिजिकली दिखेंगे
अगर आपको ये दिख रहा है तो आप बहुत ही जल्दी अलर्ट हो जाइए और तुरंत जाके इसका हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, ब्लड प्रेशर मेजर करवाइए, यूरिन एनालिसिस करवाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉग की क्या स्टेज है। बहुत ही मतलब कि हम अगर हम बताएं कि स्टेज के बारे में क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या स्टेजेस होती हैं, तो एक इंटरनेशनल रीनल इंटरेस्ट सोसाइटी है आयरिस, इन्होंने किडनी की वेस्टिंग के हिसाब से जो है वो स्टेज बनाया हुआ है और टोटल 4 स्टेजेस हैं। यूजली क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो होती है वो स्टार्टिंग स्टेज होती है और जहाँ पे हम यूजली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बेस्ड ऑन दी अवेलेबल बायोमार्कर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स, उसके थ्रू जो है ये पता नहीं चल पाता है कि आपके पेशेंट में, आपके पेट में जो वेस्टिंग है वो जो है वो किस स्टेज पे है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज यूजली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जब डॉग या फिर पेट थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर फोर्थ स्टेज में तो मोस्टली आइडेंटिफाई हो जाती है। जनरल जो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आपके किडनी जो है, आपके पेट की किडनी 70% डैमेज हो जाती है, तब जाके आपको ये साइंस दिखेंगे जो कि मैंने आपको फिजिकल साइंस बताए, तब वो आपको विजिबल रहेंगे, वो दिखेंगे, इससे पहले कोई साइंस नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है, इसी कारण से जो है मेडिकल फेलियर अभी तक हो रहा है और हम किडनी में जो है वो इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हमारे पास दो ही विकल्प जो मैंने आपको पहले बताया, या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाइए या फिर स्टेम सेल थेरेपी करवाइए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो दोनों ही ऑप्शन जो है वो बहुत ही महंगे हैं, खासकर पेट के लिए अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगे, मोस्टली लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस उम्र में, तो ये जनरल आप मान के चलिए अगर आपका डॉग जो है वो 5 ईयर्स से ऊपर निकल गया है, ठीक है, तो उसके चांसेस आप जो है किडनी डिजीज़ के बढ़ने लगेंगे। इसलिए आप जो है 5 साल के बाद उम्र में जो है आपको ध्यान देना है कि आप क्या खाना खिलाते हैं उसको, कैसे रखते हैं, सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रीड प्रीडिस्पोजिशन की बात करें कि कौन से ब्रीड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो ये तो बेसिकली जो है कोई भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस एज़ पर दी अवेलेबल डेटा उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो ब्रीड प्रीडिस्पोज है किडनी डिजीज़ की वो है लैब्राडोर, उसके बाद है इंडियन स्पिट्स, देन इंडियन जो पारिया डॉग हैं जो कि नॉर्मल स्टे डॉग्स होते हैं जो हम लोग घर में रियर करते हैं, देन जर्मन शेफर्ड्स एंड रॉटवाइलर, तो ये कॉमन ब्रीड है जिनमें ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डेड की गई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि और डॉग्स जो हैं और ब्रीड के डॉग जो हैं वो ठीक हैं, ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, बट ये चीज़ है। ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने पेट को, कि हाँ इसको किडनी डिजीज़ है और फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में है, तो वहाँ पे डॉक्टर जो है वो प्रॉपरली हम लोग फ्लूड थेरेपी देते हैं और सप्लीमेंट देते हैं, किडनी डाइट्स हैं इसकी अलग से, जिससे कि हम डिजीज़ के जो प्रोग्रेशन है, जो फास्टर जो जो डैमेज हो रहा है किडनी का, वो हम मैनेज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और वहाँ पे चांसेस सर्वाइवल बढ़ जाता है। हालांकि ये बहुत ही कम पाया जाता है क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में जब पहुँचता है डॉग मतलब कि, तो उसमें जो है चांसेस सर्वाइवल बहुत ही मिनिमल होता है और वहाँ पे फिर बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मोस्टली पाया गया है कि अराउंड 2 to 3 weeks तक एज तक जो है मतलब कि डॉग जो है वो सर्वाइव करते हैं, 2-3 हफ्ते में या महीने भर में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो लास्ट जो की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है एज फैक्टर। 5 साल एक आपका अलार्मिंग साइन है कि 5 साल से ऊपर आपका डॉग हो जाए तो किडनी डिजीज होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें तब उसकी डाइट पे खासा ध्यान रखना है। ओके, सेकंड चीज़ क्या है कि आपको जो है हर साल 2 बार कम से कम अपने डॉग का किडनी फंक्शन टेस्ट करवाइए, यूरिन की जाँच करवाइए, एंड अदर देन दैट आप उसका ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट भी करवाइए। ये पाया गया है कि मोस्टली जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है, तो ब्लड प्रेशर भी उनका जो है वो बढ़ जाता है और यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है, यूरिन एनालिसिस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको वेट बताएंगे। तो आपको 3 टेस्ट जो है आपको हर साल, साल में 2 बार आप जरूर करवाइए जब आपके डॉग की एज जो है 5 साल से ऊपर निकल जाए। ये आप करवाते रहेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और होपफुली जो है वो आप अर्ली स्टेज में भी पता कर सकते हैं बाई गेस कि हाँ शायद हमारे डॉग में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो हम जो है अब अलर्ट हो जाएं। ओके, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से आप डायरेक्टली मुझसे कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी डॉग क्वेरीज चाहे जो भी हो, इसके लिए आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है या आईफोन स्टोर पर जाना है और सर्च करना है कॉल मी फॉर, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ सर्च कीजिए डॉक्टर मिश्रा @CM4 और मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच।